सर यू आर मेकिंग चाय साथ में फिर कॉफी बना दो हमारे लिए। यू नो एवरीथिंग वी जस्ट डोंट वांट टू। अरे सुन ना इसको उद्घाटन कर दो यार। अरे हमारी किस्मत में स्टारबक्स का नहीं। मैं सोच रहा हूँ अमेज़न से ऑर्डर ही करता हूँ। यार अभी तो गए थे लेना आते जाके, तुम ले आओ जाके, दो मिनट लगेंगे। दो दिन में आ जाता है। एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को वहाँ पे छोड़ूंगा योगा क्लासेस में, वहाँ पे सर्च करूंगा सीसीडी या फिर स्टारबक्स जो भी पास में होगा। 35 शाम मॉल के पास है वो। शाम मॉल के पास है? हाँ, उधर मार्केट में मैं जाके उधर नहीं होगा। सीसीडी तो हो ही जाता है, आस पड़ोस में मिल ही जाते हैं। अगर नहीं हो तो वापस आते हुए सीधा स्टारबक्स चल पड़ेंगे, उधर से ले आएंगे अपन। बहुत लंबा पड़ जाएगा, पहले दीदी थक जाती वहाँ से आके, इतना लंबा ट्रैफिक भी बहुत है। हाँ ट्रैफिक बहुत होता है तो अपन नहीं आ पाओगे। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं इतना मेहनती क्योंकि लंबा ट्रैवल हो जाएगा, सिग्नल ट्रैफिक बहुत होता है उस टाइम पे। इसकी सारी मेहनत अभी 3 महीने में हम लोगों ने निचोड़ लेनी है। तुम्हारे लिए मैंने 3-3 घंटे बस के धक्के खाए हैं, 1 घंटा क्या थी। अरे बाप रे। और तुमने मेरे लिए 6-6 घंटे बस में धक्के खाए हैं। एक ही बार खाए, गलती से खा लिए थे, कैब नहीं मिली थी। उसके बाद जब घर गई ना वापिस, वापिस जाके ट्रिप्स लग रही थी उसको। वो तो कोई और रीजन था। क्या रीजन था? एक्सक्यूज मी, क्या रीजन? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम क्या पहन रहे हो, कल सोचा कुछ एनिवर्सरी पे? मैंने? हाँ तुमने। तो सोचने की जरूरत थोड़ी होती है। नहीं सोचना पड़ता है ना दीदी। क्या कि क्या पहने ये कल एनिवर्सरी पे? जीन्स। अच्छा एक और तो तूने वो दी थी। क्या? नहीं वो 15 दिनों बाद पहने। वो 15 दिन बाद आएगी इसको। वो आई नीड टू लूज वेट मोर। वो थोड़ा स्किन फिटिंग, स्किन के साथ नहीं चिपक जाती, वो वैसी है थोड़ी सी। और वो क्या कहते हैं, बट भाई साहब मैं 5XL पहनता था, मैं डबल XL पे आ गया। हां देख रहे हो गाइस, अब मैं बस ये XL पे आना है मेरे को। नहीं बहुत लोगों के कमेंट्स ये आए हैं कि मोटिवेशन मिलती है राजवीर को देख के, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। और आप में से ना कई लोग मेरे को पूछते हैं कि डाइट वगैरह का कैसे क्या है, तो मेरा तो कोई ऐसे है नहीं। स्पेशल वीडियो बना के बताएंगे डाइट क्या है। हाँ करने के बाद अच्छे से। ओके पहले हाँ एक दो कमेंट्स आए थे। मुझे भी आए हैं काफी कमेंट्स, पूछ रहे थे मुझे तो इंस्टा पे डीएम कर करके पूछते, दीदी प्लीज वीर जी को बोलो डाइट बता दे। और सबसे तो सबसे बेस्ट तो है कंचन ने एक दिन योगा किया और एक कमेंट आया, प्लीज अपने गाइड अस योगा के बारे में। उसके बाद खुल लिया। सॉरी गाइस आपको उस वीडियो का 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने भी कल योगा किया, आज मेरे भी खुलियां चढ़ गई हैं। आज मेरी मेडिटेशन क्लास है तो आज थोड़ा रिलैक्स है, कल योगा होगा। मेडिटेशन में क्या कराते हैं? वो बैठा के बस वो बोलेंगे टॉक टू योर बेबी, हग योर बेबी, टेल योर बेबी दैट यू आर ब्लेस्ड। और बेबी को मतलब बातें करनी है कि मतलब बेबी ने मुझे मदर चुना, फादर को। सो बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ओके मतलब इस योगा क्लास में आपको बंदा बना रहे हैं वो। जैसे तो यही अभी तो बोलते ना बच्चों के साथ कमी में बात करनी चाहिए, हम तो बोलते हैं ले हेलो कितना ठीक हो ये वो। अब पता चला बातें क्या करनी चाहिए कि थैंक्स बोलो। अभी कंचन, अभी कंचन बात करके दिखाएगी। दीपक कंचन को बोलते हैं टॉक टू बेबी। बेबी से बात किए बहुत दिन हो गए तुमको। गो एंड टॉक टू बेबी। मोमो आई एम कमिंग। वो तो तुम्हें मम्मी मोमो बोलेंगे, मामा मामी। हेलो मोमो, वो वेव्स ऐसे तुमने देखा नहीं, तुमने मिस किया है। मेरे को तो बहुत डर लगता है ऐसे। ये पैर है ना, बहुत हार्ड हो गया पहले से। कंचन को तो जब भी देखो कहीं दर्द उठता है। पता है रियल में टॉक क्या होती है? क्या? जो मुझे भी योगा में बताया है, मतलब ये होता है कि टॉक टू योर बेबी, हग योर बेबी, यू नो टेल योर बेबी दैट थैंक यू सो मच फॉर यू नो चूजिंग मी एज अ मदर और फादर के रूप में, ये सारी चीजें बात करनी होती है। और हम तो कुछ कुछ ये बोलते रहते कि आई एम योर मामी, क्योंकि बच्चे ही चूज करता पता है कि किस घर में जन्म लेना है और किसके थ्रू जन्म लेना है, ये सब डिसाइडेड होता है। आपने पहले भी बताया था ना, ये जो मेडिटेशन करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज इनको होती है, लाइक ब्रह्म कुमारी अगर तुम देखेगा वो, मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला के बाद उसको थोड़ा बहुत फॉलो किया है, तो उसमें ये बताता है कि बच्चा पहले से डिसाइडेड होता है कि मैं इनके घर पर जन्म लूँगा और इनके थ्रू जन्म लूँगा। तभी तो बोलते हैं कि ऑलवेज थैंक योर बेबी। फिर अपने वाले में तो पंजाब पसंद था है ना, पंजाब जाना मेरी गलत है सुनो, बट इसमें ज्यादा डीप भी नहीं जाना चाहिए मेडिटेशन वगैरह में है ना।
मैं तो आज पहली बार कर रही हूँ जिंदगी में फर्स्ट टाइम। नहीं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो जाता है। अच्छा, नहीं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो जाता है ज्यादा डीप मेडिटेशन। ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, जैसे बोलते पूजा पाठ भी करना चाहिए लेकिन इतना भी ऐसे नहीं वो होना चाहिए कि। शम्मी मामी की बेटी है ना नेहा, वो मेडिटेशन बहुत सालों से कर रही है, मतलब वो इतनी ज़्यादा वो है कि उन्होंने बेबी को पता कितने मिनट में डिलीवर किया, 20 मिनट्स। और वैसे यूजुअली कितना लग जाता है मेडिटेशन? या कईयों को 24 घंटे भी लग जाते हैं, है ना, 48 आवर्स मैंने सुना। पता नहीं, मैंने तो ये सुना लेबर पेन, जब टीवी में ही देखा है मैंने, जितना देखा बचपन। 16 घंटे 24 घंटे फर्स्ट, जिसे फर्स्ट टाइम जिसकी डिलीवरी होगी वो, सेकंड टाइम तो फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो उन्होंने 20 मिनट्स, क्योंकि वो मेडिटेशन से वो अपनी बॉडी का हर पार्ट उनको पता है ना भी क्या क्या, वैसा हो जाता है। बट कंचन एक बार बताओ, योगा अभी तो फ्लेक्सिबल बॉडी जितनी होती है ना उतनी ईजी ही रहेगा डिलीवरी में, पता है ये तो है ही। बट कंचन कब किया योगा? नहीं मैंने ये तो देखा है ना फ्लेक्सिबल योगा है, एक दिन 3 दिन पहले किया था, कल करेगी। शुरुआत हमेशा स्लो होती है, क्या महीना अगर आपने अपना वो पुश कर लिया ना फिर आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं बट अब मैंने सोच लिया है कि मैं फिटनेस गर्ल ही बनूं। फिटनेस गर्ल नहीं, मेरे को भी भाई मतलब फिट रहना है, मतलब हमेशा जिम चला करोगे तुम? हाँ जिम चलना शुरू कर दूंगी, अभी सारे कामों से जब फ्री हो जाएंगे ना तब थोड़ा बीपी बूपी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए फिर पता लग जाए क्या है कैसी नहीं है, तो मैं भी शुरू करूंगी, क्योंकि ऐसे तो मेरे को भी लाइफ पसंद नहीं है ऐसी इजी, ये ऐसे कुछ करो ना, वर्कआउट ना करो, क्योंकि मैं पहले भी मैंने जिम कभी भी नहीं किया, बट मैं मुंबई में डेली रनिंग पे जाती होती थी, शाम को भी जाती थी। बट कंचन मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, अभी 2 महीने हो गए बहन के साथ रहते हुए, बच्चों वगैरह के बच्चों के साथ शॉपिंग कपड़े कपड़े इतना कुछ हमने देख लिया, कैसा फील होता है कंचन? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बच्चों के मन करता है ये भी ले लो मैं बोल नहीं, फिर जल्दी प्लान कर लेना, एक्साइटमेंट तो होती है ना, कपड़े कपड़े देख के बड़ा वो होता है ना कि अपने घर में भी हो, अपने घर में भी हो। एक साल का ले ले बस पॉज, एक साल अपना योगा कर, अपने आपको फिट कर, अपना बीपी वगैरह ठीक कर, जब बॉडी ठीक हो जाएगी फिर, क्योंकि बीपी का बहुत इशू होता है। फिटनेस गर्ल एक साल घूमेंगे, उसके बाद तो घर में बच्चों के साथ 2-3 साल तो घर पे निकलेंगे। 2-3 साल नहीं, ऐसे आराम से 1 साल ही काफी होता है, बच्चे के साथ ले लेके घूमेंगे ना फिर, मतलब वो 1-1.5 साल तो होता ही है, थोड़ा ब्रेक तो 1 साल में बच्चा जब तक वो चलने नहीं लगता। हाँ कब चलता है बच्चा? 1 साल नहीं, 1 साल बाद कहीं यार भी हो गोला, वो तो 1 साल से पहले ही चलने लग गया था शायद, चल रहा था नहीं चल रहा था। खुद जो एक्टिव होते हैं वो पंगे लेते रहते हैं ना अपने साथ, जो बच्चे एक्टिव होते हैं खड़े होने की ट्राई करते रहते हैं। वो रील नहीं दिखाई थी, एक माँ जिम कर रही है तो बच्चा निकला तो उसके मसल बने हुए थे। बट एक बात और, तुमको वो चीजें भी लेनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे घर में ऐसे कॉर्नर्स वगैरह है ना, तो वो लगते हैं, अगर बच्चा रुड़न लग जाए ना, मतलब तो लेट होता है थोड़ा, वो कि चुभे मतलब लगे लोगे ना सर सुर पे, ये सब चीजें उठा देंगे। नहीं जैसे मुंबई में है भी नहीं ना, खाली कॉर्नर ले लो, शीशा हाँ वही मैं शीशे का बोल रहा हूँ ना, वैसे जगह पे चाहिए होगा, बेड वगैरह के कॉर्नर वगैरह भी होते हैं ना। पटियाला तो आपके शायद डाइनिंग टेबल बड़े वाले साइड पे रहते, एक वो याद है कलकत्ता में जब आप बूढ़ों के घर रहते थे, हम कलकत्ता में किराए पे रहते थे, हमारे सामने घर में था वो आंटी, अपने बच्चों के ना पैर में ना रस्सी बांध के रखती थी, वो बस एक लिमिट तक ही दूर, वो एक बच्चा वो जा ही नहीं सकता था ज्यादा दूर, वो एक लिमिट तक घूमता रहता था, बस पैर में रस्सी बांध रखी थी। इसको कभी भी वॉकर तो लेके नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक्सेसिबल हो जाता है हर जगह पहुंचने के लिए। एक मैंने रील देखी थी, बेचारे ने ना वो था गर्म पानी गर्म करने वाला ऊपर ना, वो गया वॉकर से, उसने पानी पैसे कर दिया, उसको बेचारा गर्म पानी दे दिया, बहुत वायरल हो गया, और हर डॉक्टर शेयर कर रहा है। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स जो वॉकर तो अवॉइड करो यार, वॉकर अवॉइड करो, क्योंकि कहीं भी भाग के इधर चला जाएगा, भाग के उधर चला जाएगा, सीढ़ियों सीढ़ियों पे निकल जाते हैं। मैंने देखा वीडियोस में यार, बच्चे इतनी तेज भागते हैं ना, और देखा कभी इधर चल जाते, कभी यहाँ से सामान गिरा देते, कभी यहाँ से गिरा देते, वो सेफ नहीं है। मैं वॉकर तो कभी मत देना है, वॉकर तो बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा वो ऐसे खुद चलता रहे वो सही है बेबी, लेकिन वो मत लेके। चलो गाइस हमारे अभी मेडिटेशन का हो गया टाइम, मेरी क्लास है 6:30, तो अभी निकलते हैं, कल तो यू गो एंड रेस्ट। ओके बाय कांचन, कांचन कंचन। तो मैंने यहाँ पे कुणाल और तनु को बुलाया है। हाँ यार बोतल में वही भूल गई थी, पता है यार बॉडी के अंदर ना वीकनेस है, बाकी मुझे पता नहीं बीपी लो है या नहीं है। डाइट तो अभी मैं सही ले रही हूँ 2-3 दिन से, रोटी सब्जी छोले ड्राई फ्रूट्स, हाँ सारा कुछ यही हेल्दी डाइट है, मतलब 2 दिन से तो।
तो मैंने अभी बुलाया है अपनी डॉक्टर को जो घर के डॉक्टर को जो बीपी चेक करती है मम्मी का करती है, एक्चुअली मम्मी को आई का प्रॉब्लम रहता है ना मेरी, इसलिए तो अभी ये मेरा बीपी चेक करके बताएगी। मुझे नहीं पता कि लो है, हाँ है लो, वीकनेस है। अब वीकनेस पता नहीं किस वजह से, बीपी लो की वजह से। मैं क्या पहले तो ऐसे कभी वीकनेस होती भी नहीं थी, बिकॉज क्या कहते हैं, इतना जहाँ मर्जी घूम फिर लेती थी तब भी नहीं वीकनेस होती थी, देखा जाए तो इतनी टायर्डनेस तो होती नहीं थी कि मैं पड़ी रहूँ बेड पे, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। ये तो अब भी होने लगा कि मैं ऐसे लेटी रहती हूँ। अभी थोड़ा सा बाहर जाके आए थे, फिर क्या कहते हैं, मैं थक गई, इतने में ही थक गई, जबकि मेरी तो बिल्कुल नहीं आदत थी रेस्ट करने की। दोपहर को तो मैं सोती भी नहीं थी, याद है, अब तो सोई नहीं मैं, बस रेस्ट कर रही हूँ। है डॉक्टर के पास ही कल जाऊँगी, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना। नहीं कपड़ा ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पता है क्या, वो हो जाती है ठीक हो। कितना आया बिपी तो ठीक है।